हेलो फ्रेंड्स, आई एम इंदु मालपण। वेलकम टू माय चैनल इंदुज किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ नींबू का अचार। यदि मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे अदर अपडेट्स देखने के लिए यूट्यूब पे जाकर मेरे चैनल इंदुज किचन को सब्सक्राइब करना न भूलें। वैसे नींबू का अचार अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, सबके अलग अलग तरीके होते हैं। नींबू अचार बनाने के लिए सबसे पहले आप नींबू पतले छिलके वाला लें, ताकि नींबू छिलका जल्दी से गले। ये आप धूप में रख के बनाना चाहते हो, कोई बनाना चाहता है गैस पे, लेकिन मैं आपको माइक्रोवेव में करके बताती हूँ नींबू का अचार, जो जिसमें टाइम भी नहीं लगता है, झटपट बन जाता है। इसके लिए मैंने पाव नींबू लिए, जो मैंने काट के छोटे छोटे पार्ट कर दिए थे, छोटे छोटे पीस करके रखे। ऐसे एक नींबू को मैंने पहले अंदर के सारे बीज निकाले, बीज एक भी अंदर नहीं रहना चाहिए। सब बीज निकाल के आजकल बिजी लाइफ में हर कोई काम फटाफट में करना चाहते हैं। आपने माइक्रोवेव वाला नींबू का अचार भी करके देखिए, एक बार थोड़ा ही करके देखिए कैसा बनता है आपका। कि धूप वाले नींबू का अचार में काफी टाइम लग जाता है, पहले नींबू नमक डाल के रखो 2-3 दिन, फिर बाद में चीनी डाल के रखो, काफ़ी टाइम लग जाता है। ऐसे इसके एक नींबू के मैंने लगभग 8 पीस कट लिए हैं, छोटे छोटे पीस, खाने में आसान नहीं हो। बीज एक भी नहीं रहना चाहिए अंदर। नींबू पीस छोटे छोटे कट दिए मैंने। अब कटे हुए नींबू में लगभग 2 चम्मच नमक डाल के और चुटकी पर हल्दी डाल दूंगी। अच्छे से मिक्स कर दूंगी चम्मच से। यदि आपके पास टाइम है तो आप भले ढक के इसको एक दिन कैसे रख दीजिए, नींबू पानी छोड़ देगा, क्यों नमक भी डाल रखा है। और यदि आपको फटाफट बनाना है तो आप आधा मिनट के लिए उसमें माइक्रोवेव चला लीजिए। अभी इसको माइक्रोवेव चला लेंगे। लगभग आधा मिनट के लिए रखा है, बीच में चेक करके देख लेंगे। इतना आधा मिनट हो चुका है, एक बार निकाल के चेक कर देंगे नींबू कैसे पके कि नहीं। स्पून में लेके देखेंगे, नरम हुए, नरम हो गए, थोड़ा रस भी निकलने लगा है। अभी नींबू में सभी मसाले डाल देंगे। काली मिर्च डालेंगे चुटकी भर, लाल मिर्च 2 चम्मच, काला नमक 1/2 चम्मच, क्योंकि वो सादा नमक डाल रखा है 2 चम्मच लिए। इसमें चीनी लगभग मैंने 100 ग्राम ली है। चम्मच की सहायता से एक बार एक अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब चीनी इसमें मिक्स हो चुकी है एक बार, तो यदि आपको लंबे टाइम के लिए रखना है और आपको आराम से यूज लेना है तो आप धूप में रख सकते हो, एकदम ढक के एयर टाइट डब्बे में कपड़े से बांध के रखिए, बाहर मिट्टी विट्टी कर जाता है। और यदि आपको एंड टू एंड यूज लेना है तो माइक्रोवेव चला लेंगे। यदि आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप गैस पे भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। नींबू जब भी काटे ना तो नींबू एकदम धो के पोंच के सूखो के लें, क्योंकि पानी से नींबू अचार खराब होने का डर रहता है। अब इसको माइक्रोवेव में चला लेंगे एक बार 30 सेकेंड के लिए चलेंगे, वापस चेक कर लेंगे अपनी चीनी चाशनी बनी कि नहीं। अब इस तैयार अचार को कांच के कंटेनर में डाल के रख दीजिए, ताकि आपका अचार लंबे टाइम तक चले। यदि मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।